सब किसान भैया और दीदीन के हमार नमस्ते। हमार नाम विनोद है। राम राम चाचा। राम राम भैया। राम राम। और चाचा का होत बाग? बस सेम भैया, देखभाल हुआ थे, बहुत कीड़ा लगे हैं, वही मन रोन है, रासायनिक दवाई बहुत डाले। हाँ। और काम नहीं करते को। अच्छा, सही कहा था चाचा। देखा यहाँ पे एक जन गर्दन इमुड़ जाते हैं, कीड़े लाग है, ये सब एक गर्दन खाई जाते, फल कहाँ से रुके हम। हाँ भैया, एक उपाय कुछ बतावा जाए जो उन्हें, बहुत दवाई पड़ी इसमें। अच्छा, रासायनिक दवा बहुत पड़ी है। ठीक बा, बताइए उपाय। चाचा ये बतावा। हाँ। और कौन सब्जी बैठाए है कि जोन भाई है? बैगन बा? नहीं, बहुत है भैया, भिंडी है। हाँ। मिर्चा है। हाँ। तरोई है, लेकिन सब में इसे रोग लग। अच्छा, सब में लाग बा। हाँ, ये चलो वो देख ले। हाँ, ये चलो दिखाई जरा। देखा भैया, वो सब में लगे है। देखा जाए, इधर नेनुआ में लगे है, इधर यो सब में लगे है। चाचा ये देखा, यहूं देखा तमाम कीड़ा लग गए, एक फल एक को रुकते ना है। हाँ भैया, इसे सब कीड़ा लगे हैं। सब देखा कैसे कीड़ा है मला गए। हाँ भैया, ऐसे सब फल का उबड़ा जाते, इसे खा फल एक को रुकत ना हुए। नहीं रुकते, एक को फल नहीं रुकते। सब ऐसे पूरा ननुआ नुआ इसे सब खराब जाते। चाचा देखें तो आप परेशान न हो, आपके। अच्छा। देख लेन तमाम कीड़ा लागिन, एकदम आप परेशान न हो। बगल वाले गांव में मुकुट बिहारी भैया है। अच्छा। और वह जैविक कीट नाशक दवाई बहुत बढ़िया बनावे थे और अपने खेत में वह डाले थे। अच्छा। जौने से उनके खेत एकदम हरा भरा, एकदम कीड़ा उड़ा ना लगते, और बहुत बढ़िया फसल तैयार हुआ था। अच्छा। चला हम उनसे मिलाई, वह बढ़िया तरीका बताइए। वह लाइक अपने खेत में छोड़ा, देखा सब कीड़ा मर गई है, फसल वैसे हुए। हाँ हाँ, ये यही यही दवाई बताओ। हाँ, तो चला आपका मिलाई। अच्छा अच्छा। हाँ चलो। गुड बिहारी भैया। राम राम। राम राम भैया। राम राम। राम भैया। राम राम। ले भैया बैठो। हाँ भैया, ले बिछा लो। हाँ पकड़ा तो। और विनोद भैया, बहुत इनके बात दिखाई पड़े हुए, कोनो वैसे घूमे जा रहे निकले, कोनो मकसद से निकले भैया? भैया कोनो खास मकसद से हरी ना आए, बगल वाले गांव नंदलाल चाचा हुए, इन्हें आपसे मिला खातिर ला है। ये जन बाटे अपने खेते में रासायनिक दवा डालत डालत परेशान हो गए, सब्जी बैठाए है, वहां बैगन नेनुआ तरुई भिंडी सब बैठाए है, तो कीड़ा बहुत लाग जाते हैं। तो बैगन में इनके सबसे ज्यादा कीड़ा लाग है। हमारे गर्दन मोड़े कीड़ा होते है, ऊ लागवा फल छेदक कीड़ा होते, ऊ लागवा और जो पत्ती चूसक कीड़ा होते है, पत्ती वत्ती बेकार कह देते है, पत्ती सारा जो बा पोषक मिला था, पत्ती सब बेकार हुई, फल एकदम लागत ना, और जो बहुत परेशान है, तो सोचे कि चलिए आपसे मिलवा दी। आप बहुत बढ़िया से जैविक कीट नियंत्रण के दवा बनावे थे जो अपने में डालबो करते है, तो आपके सब्जी हरी भरी और जन बाटे बढ़िया रहा था, तो आप वह नहु बता दें जिसे इन्हू अपने में डाल लें और नहु फसल बढ़िया से हुए, जो बैठाए हैं सब्जी वो एकदम हरी भरी हो जाए, वो फल बढ़िया से। ठीक है भैया, बड़े मौके से आए हुए आप, और हम घर बनावे जाते हैं, लेकिन लड़का बहुत परेशान किए, तो चलिए थोड़ा एकांत में और बनाई, और आप बड़े मौके से आए गए, तो आप जो है अब यही देख लियो और समझ लियो, तब जाओ। ठीक है भैया। मुकुट बिहारी भैया, ये जैविक कीट नियंत्रण दवा बनावे खातिर कौन कौन सामग्री लागत है, यह तनी बता दे। देखो भैया, एक एकड़ खेते के लिए जो जो सामग्री लागे। हाँ। उसके बारे में हम आपको बता ही दिया है। अच्छा। एक तो डिब्बा लागे 15 लीटर वाला। हाँ। ठीक है। अच्छा। और दूसरे जो है 1/2 किलो लहसुन लागे। हाँ। और उसके बाद ये डिब्बा में। अच्छा। 5 किलो जो है मट्ठा रहे। हाँ। और 1/2 किलो मिर्चो लागे। अच्छा भैया। हाँ, हरा मिर्चा 1/2 किलो। ठीक ठीक।
भैया यह एकड़ के लिए ये किलो नीम के पत्ती लागे। अच्छा भैया, एकर तौल लेख है। हाँ हाँ, किलो धतूरा के पत्ती है, पत्ती हो लगे। अच्छा भैया, एक किलो, हाँ एक किलो तो बार भैया। हाँ हाँ, कहा से दिखा तो भाई किलो बार। ठीक है भैया। और भैया एक एकड़ के लिए 100 ग्राम जो है साबुन पाउडर लागे। अच्छा भैया। हाँ भैया, ठीक ठीक। और भैया जो है के साथ हाँ, दस्तानों जरूरत पड़त है। अच्छा, अगर दस्ताना ना हुए घर पे हाँ, तो पन्नी से काम चला सके थे। तो भैया मुकुट बिहारी, तरह सामान तो बता दियो, एक जरा बताओ कि कौन तरीका से बने। देखा भैया, 15 लीटर का छोटा डब्बा है। हाँ भैया हाँ। और ओके बाद ये डब्बा में अच्छा 5 किलो जो है मट्ठा रहे। ठीक है। भैया जो धतूरा पत्ती 1 किलो तौले रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब मट्ठक सा के बाद जो है वका डाला जाए। अच्छा, धतूरा पत्ती हो गया 1 किलो। हाँ। और उसके बाद भैया जो नीम के पत्ती रही है हाँ, वह पड़े 1 किलो। अच्छा, देखो भैया नीम के पत्ती डाल दिया, धतूरे पत्ती डाल दिया। हाँ। अब यका जो है ढक्कन वहां जो छेद कही है हाँ, फिर बंद कर दिए है और 10 दिन के लिए का फिर रख दिए है। अच्छा मुकुट बिहारी भैया, एक चीज ना जान पाए, छेदवा का है आप कह दे भैया? ये छेदवा हमारे कह दिया है हाँ, कि यका जो है समय में आसानी हो जाए। अच्छा हाँ, यही कही जो है ये रहे, हवा 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 जावा करे तो थोड़ा सड़े में जो है आसानी हो जाए। अच्छा, जल्दी सर ये हाँ। देखो नंदा भैया और विनोद भैया हाँ, जो हमारा 5 लीटर मट्ठा में हाँ, 1 किलो धतूरा पाती और 1 किलो नियमित पाती डाले हैं। 10 दिन बाद सड़ जाए। सड़े के बाद जो है छान लिया जाए बहन कपड़ा से हाँ, और 100 ग्राम जो है साबुन पाउडर डाला जाए हाँ, हाँ, और पानी में हाँ, से उसका जो है 1 एकड़ के लिए छिड़काव के लिए आपका काफी मात्रा में हो जाए। अच्छा भैया, ये जो लहसुनवा आधा किलो और आधा किलो मिर्चवा बा, ई का हो गई भैया? ये जो आधा किलो लहसुन है और आधा किलो मिर्चा है हाँ, यह जो है पेस्ट बनावे है। अच्छा, यानी कि यह दोनों मिला के पीस लिए है। अच्छा, पीस लिए के बाद जो है 1 लीटर पानी में घोल बना लिए है। अच्छा अच्छा, जब घोल बना लिया जाए उसके बाद फिर जो है हाँ, पानी में मिला करके हाँ, और फिर छिड़काव करा जाए 1 एकड़ खेत के लिए। अच्छा हाँ, लेकिन एक साथ है फिर जो है का आप ना भूलिए हैं, ये जो है साबुन पाउडर जरूर डाली है। अच्छा, ये पत्ती जो है चूसक जो कीड़ा है हाँ, वहाँ काम करे। अच्छा, पत्ती चूसक कीड़ा हाँ। अच्छा मुकुट बिहारी भैया, ये साबुन पाउडर जो ना आप बताओ थे इना समझ में आओ, दोनों बताओ थे आपकी पड़े एक कौन काम बा भैया? जो साबुन पाउडर हुआ है हाँ, ये डाला जाता है जैसे जो पौधा जो पत्ती हुआ थी या पौधा हुआ थी हाँ, पर चिकना पन रहा थे हाँ, हाँ, और जब आप डायरेक्ट जो है दवाई सीधे न हुआ हाँ, तो क्या होता है वो जाएंगे नीचे गिर जाता दवा। ठीक है हाँ, उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर काम नहीं करे दवा हाँ, तो यही यका डाल दिया जाता है तो पत्ती में जो है दवा ये पौधा पे चिपक जाता है। भैया जो फली छेदक वाला है कीड़ा अगर लाग है अच्छा, तो जो मट्ठा वाला बना वाला है यका डाला जाए, और अगर जो है पत्ती चूसक वाला कीड़ा लाग है तो जो पेस्ट बने लहसुन और मिर्चा के अच्छा, यका डाला जाए। अगर भैया जो है ढेर सारे कीड़े लगे हैं, कलू में तरह के कीड़े लगे हैं तब ये दोनों मिला के डाला जाए। अच्छा हाँ भैया, हमारी जो पत्ती चूसक वाला जो कीड़ा लाग है उनके लिए जो है अभी हम एक जो है पेस्ट बनवा के एक डालब
और अगर सारे ढेर सारे कीड़े लगे हैं तो जब तक हमारी मट्ठा 10 दिन में सड़े ना, पत्ती सड़े ना, तब तक हम मिला के नहीं डाल सके थे। अब हम जो है पेस्ट बनावे के लिए का हम भेजी क्या है। हाँ ले भैया ले जाओ। लाल भैया देखो भैया, हाँ भैया, ये लहसुन के पेस्ट है। अच्छा अच्छा। और ये मरचा के। अच्छा दोनों बन के आए गवा। ठीक 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 है। ये पत्ती चूसक के लिए है। अच्छा जो उनकी एका जो मिला देख है एक एकड़ में जो है 1 लीटर पानी मिला रखे, लेकिन हम जो है आधा एकड़ के लिए एक तैयार कर दिया है। अच्छा एका पन्नी में पानी मिला दिए है। ठीक तो भैया का ऐसे मिला लिए एक बार दस्ताना या नहीं है पन्नी से छाने के बाद 100 लीटर पानी में मिला के हमें डाले थे। पेस्ट के घोल तैयार हो गया, छान लिया जाए और एक जो है 1 लीटर में घोल कर और जो है 100 ग्राम निरमा मिला के छिड़काव कर दिए। तो मुकुट बिहारी भैया ये जैविक कीट नियंत्रण दवा बनाए थे, एक का महत्व और का लाभ हुआ भैया? तो सामग्री जो है अपने घर में आसानी से मिल जाते है, दूसरे जो है कि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहा है, इसमें कोई प्रकार के जो है शरीर के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचावत है। अच्छा एक उपयोग किए से। अच्छा भैया और का होता है भैया? ये जो है रासायनिक दवा से सस्ता है। अच्छा। और जो एक छिड़काव से उत्पाद हुआ थे उनके बाजारीकरण जो मूल्य है वो अच्छा मिल जाते है। अच्छा हाँ इसे यही फायदा है भैया। ये तो ना मनुष्य के और ना पशु पे कोनो प्रकार के जो है नुकसान नहीं करते है। अच्छा भैया एक चीज भैया और बताएगा कि जैविक कीट नियंत्रण दवाई बनावट की कौने कौने चीज के विशेष ध्यान देख होते है? देखो भैया जो मट्ठा वाला बना वाला है यका जो है दर्दी जरूर सड़ावट है। अच्छा दूसरे चीज है कि साबुन पाउडर बहुत जरूरी है और जो है दस्ताना वो चाहिए और निश्चित जो मात्रा है वह का वो बहुत जरूरी है। अच्छा ना कम ना ज्यादा। ठीक ठीक अच्छा भैया मुकुल भाई बहुत बढ़िया दवा बतायो, बहुत बढ़िया जानकारी दियो। अच्छा हमू चली थे। जय राम भैया हमू चल थे। राम राम भैया। राम राम। राम राम। सभी किसान भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि जैसे हम जैविक कीटनाशक दवा बनाई थे अपने खेते में उपयोग करी थे, वैसे आप लोग भी जैविक कीटनाशक दवा बनाएं और उसके लाभ उठाएं। एक लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद और नमस्ते।